हेलो, आई एम डॉक्टर राहुल कपाही, कंसल्टेंट ईएनटी डिपार्टमेंट, सिग्नस मेंसेस हॉस्पिटल, द्वारका। आज हम बात करेंगे एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एलर्जी, नाक और गले की एलर्जी स्पेसिफिकली। तो पहले हम देखें कि है क्या ये चीज़। इसमें अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारा फेस का सामने से डायग्राम है, जिसमें कि नाक है और उसके साइड में ये खोखली हड्डियाँ हैं जिनको कि हम साइनसेस कहते हैं। और ये अगर हम साइड से देखते हैं तो ये जो साइनसेस जितने हैं ये सब इस एरिया में आकर खुलते हैं। तो जब भी इनमें कोई ब्लॉकेज आता है, भी वो एलर्जी की वजह से हो या हड्डी टेढ़े होने की वजह से हो, तो साइनसेस में इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, जिसको कि हम साइनोसाइटिस कह देते हैं। तो अब हम अगर बात करें एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में, मतलब नाक और गले की एलर्जी जो है, तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चीज़ है जिसमें कि पेशेंट आता है हमारे पास कि उसे छींकें आ रही हैं, नाक में खुजली होती रहती है, नाक से पानी निकलता रहता है, बीच बीच में सिर दर्द भी होता है उसे, कभी कभार गले में खुजली, आँख में खुजली, तालू पर खुजली। तो ये सब जो फीचर्स हैं ये एलर्जी के फीचर्स हैं, लेकिन क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो जनरली लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं। पर अब जो रीसेंट स्टडीज़ जो आ रही हैं उसके हिसाब से अगर ये देखा जाए तो एलर्जी जो है वो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ से मतलब हुआ कि हम नींद नहीं पूरी कर पा रहे, अपनी काम नहीं कर पा रहे क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, बार बार छींकें आती जा रही हैं, नाक बहता रहता है, तो सोशली हम थोड़ा सा इनहिबिट हो जाते हैं। अब इसमें बेसिकली ये है क्या, ये हमारे शरीर का एक रिस्पॉन्स है कोई भी एक बाहरी एलर्जन को। एलर्जन एक ऐसा तत्व है जिसकी वजह से एलर्जी कॉज होती है हमारी बॉडी में। तो जब वो हमारे शरीर के अंदर नाक या मुंह के रास्ते से आता है तो उस जो हमारा शरीर है उसको बाहर निकालने के लिए उसके साथ लड़ाई करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो खूब सारे ये सब प्रॉब्लम शुरू करता है, जैसे कि नाक का बहना, छींकें आना और ये सब। और नॉर्मली जब हम इसको देखते हैं, जो पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनको जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें मुंह से सांस लेना, नाक का बंद रहना, कई बार नाक की आवाज़ आना, जैसे जो नॉर्मली हम बोलते हैं वो मुंह के रास्ते बोलते हैं, पर किसी किसी लोग में नेजल ट्वैंग आता है, फिर आँखों के नीचे लाइनें पड़ना, डार्क सर्कल्स होना, एक एलर्जिक सल्यूट होता है जो कि एक बड़ा कॉमन सा चीज़ है, बच्चे या एडल्ट बार बार इस तरीके से साफ करते रहते हैं, तो इसको हम एलर्जिक सल्यूट कहते हैं। और रिपीटेड इस तरीके से करने से नाक के ऊपर में एक लाइन बन जाती है जो कि नेजल क्रीज कहलाती है। नाक के अंदर में जब हम देखते हैं तो सूजन दिखती है हमें, पानी दिखता है खूब सारा, मरीज जो है वो बार बार अपना गला साफ करता रहता है करके। और एलर्जी जो है उसको हम दो तरीके के मानते हैं, एक तो है जो कि इंटरमिटेंट, साल में कुछ महीने में होती है, या फिर एक होती है परसिस्टेंट जो कि पूरा साल चलती रहती है। इसको भी हमने फर्दर माइल्ड और सीवियर टू मॉडरेट में डिवाइड कर रखा है। माइल्ड का मतलब है कि आपको इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आप अपना काम कर पाते हैं, बीच में आपको ओकेजनली उसकी वजह से छुट्टी करना पड़ता है या आपको दवाई लेनी पड़ती है। और मॉडरेट टू सीवियर है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में प्रॉब्लम आ रही है। अब एलर्जी जो है, नाक की एलर्जी, इसको इतना इम्पोर्टेंस किस लिए, छींकें हैं वो होती हैं, ठीक हो जाती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि अब ये देखा गया है कि जो अस्थमा है, दमा की जो तकलीफ है, उसके साथ एलर्जी जो नाक और गले की एलर्जी है वो बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। उसकी वजह से अगर मतलब 80% अस्थमा के जो लोग हैं उनमें एलर्जी पाई जाती है नाक और गले की। और ये देखा गया है कि जब हम नाक और गले की एलर्जी को कंट्रोल कर लेते हैं, वहीं पर रोक देते हैं, तो अस्थमा होने के चांसेस और अस्थमा के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे ही जिन बच्चों को बचपन में जिनको एलर्जी होती है नाक और गले की, उनमें अस्थमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एलर्जी की वजह से साइनस का इन्फेक्शन बार बार होना,
कान में इन्फेक्शन होकर कानों से सुनाई कम देना और आंखों में कंजंक्टिवाइटिस, लालपन और दाने हो जाना, ये चीज़ें देखी गई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एलर्जी में आती है वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ से हमारा मतलब है कि आप हर रोज़ का जो अपना काम कर रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, अपना स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबको ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब इसका जो मैनेजमेंट की बात आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें रहता है कि हम ये ढूंढें कि किस चीज़ से हमें एलर्जी है और उससे बचें। लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि जो एलर्जी करने वाले जो तत्व हैं, सिंपल एक धूल, मिट्टी, धुआं, मौसम के बदलने के कारण, तो ये सब जो चीज़ें हैं इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दूसरा तरीका फिर हमारे पास आ जाता है कि हम इनके लिए मेडिसिंस लें। तो जब हम मेडिसिंस लेंगे इसके लिए तो वो अंडर फिजिशियंस ट्रीटमेंट, आप हमसे मिलेंगे और उसके हिसाब से आपकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं हम आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि एलर्जी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है और प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे कि दमागी तकलीफ और हमारा साइनसिस की तकलीफ। बच्चों में स्पेशली अगर एलर्जी हो रही है तो उनके कान में इन्फेक्शन करके वो उनके कानों को बंद कर सकती है, सुनने में बच्चे को प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से वो स्कूल में अपना पूरा टाइम नहीं दे पाते, पूरी तरह से पढ़ नहीं पाते, तो वो मंदबुद्धि कहलाने लग जाते हैं। थैंक यू।